अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बादशाह जंगल को निकला शिकार करने के लिए, साथ में उसके वजीर भी थे, गुलाम भी थे। अब शिकार के लिए निकला, अब शिकार करने के वक्त में एक जानवर को शिकार करने लगा। वो जानवर को जैसा ही तीर मारा, मिस हो गई, जानवर भागा, तो बादशाह भी घोड़े को भगाया, जानवर के पीछे भागते 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 पीछे जो भी उसके फौज थी, जो भी उसके गुलाम थे, मिस हो गए। जंगल में बादशाह भटक गया। ऐसी धूप थी कि बादशाह को ऐसी प्यास लग रही थी, ना वो जानवर मिला, ना शिकार हुआ, और प्यास की वजह से जान जा रही थी। गुलाम दूर हो गए, बादशाह जंगल में भटक गया। अब घोड़े को हाथ में लेके चलते 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 जा रहा, घोड़े को चला लेते जा रहा कि कहीं पानी मिल जाए प्यास बुझा लूं, कहीं पानी मिल जाए प्यास बुझा लूं, पानी को तलाश कर रहा था। इतने में उसे, उस बादशाह को एक चरवाहा मिला, बकरियां चराने वाला, बकरियों को चराने वाला, एक झाड़ के नीचे बकरियों को बांध के बैठा था। बादशाह उसके पास गया, बोला, तुझे मालूम मैं कौन हूँ? वो चरवाहा बोला, नहीं जानता तू कौन है। अच्छा, खैर नहीं जानता तो नहीं जानता, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो गुलाम अपने मशकिज़े को देखा, पानी ख़त्म हो चुका था। बादशाह की सूरत देख के बोला, पानी नहीं है, नहीं है पानी, मुझे माफ़ कर दो, पानी नहीं पिला सकता। हाँ रुको, मेरी बकरी का दूध निकाल के पिला देता हूँ। बकरी का दूध से वो बर्तन, पहले दूध से बर्तन को साफ करा, वो दूध बाजू डाल दिया, फिर दूध निथार के, दूध निकाल के बादशाह को दिया। बादशाह पेट भर के दूध पी लिया। पीने के बाद बादशाह ने कहा, अरे चरवाहे सुन, मैं बादशाह हूँ, मैं शिकार के लिए निकला था, आज तेरी ये अदा बहुत पसंद आई, तूने मुझे अब दूध से बर्तन को साफ करके, फिर वो दूध को एक्स्ट्रा भी निधार के, दूध को निकाल के तू मुझे पिलाया, मैं तुझे कुछ चीज़ दे, एक कागज़ दे, मैं लिख के देता हूँ तुझे, एक दो गांव तुझे लिख के दे देता हूँ, तू गांव का बड़ा हो जाता है, तुझे दो गांव लिख के दे देता हूँ, कुछ ला। तो चरवाहा खुश हो गया, दो गांव लिख के देते हैं बादशाह, ठीक है। इधर उधर भागा, कुछ भी नहीं मिला, कागज़ नहीं है, चमड़ा नहीं है, लिखना किस में है? तो बादशाह को बोला, कुछ भी नहीं है तो एक काम कर, पत्ता लेके आ। एक झाड़ का बड़ा पत्ता लेके आया, पत्ते पे कांटे से ऐसा लिख के दिया, ये ले, दो गांव का तू मालिक हो गया, तुझे दो गांव लिख के दे दिया, ये रख, जुमा के दिन जामिया मस्जिद में मैं नमाज अदा करता हूँ, जुमा के दिन दिल्ली की जामिया मस्जिद में आ, मैं तुझे ऐलान करके तुझे दो गांव का ऐलान कर दूंगा, तुझे दो गांव दे दूंगा। तो चरवाहा खुश हो गया, अरे वाह, क्या खुश नसीबी है मेरी, तू गांव लिख के दे दिए बादशाह। बादशाह को रास्ता बताया, फिर बादशाह वहां से निकल गए, और ये चरवाहा खुशी खुशी वो पत्ते को लेके रात पूरी सोचते सोचते सो गया, मैं दो गांव का मालिक हो गया, दो गांव मेरे हो गए। एक बिस्तर के ऊपर वो रख के सो गया। सुबह उठ के देखा तो बकरी बाजू है, पत्ता बकरी खा ली, बकरी पत्ता खा ली। बादशाह दो गांव लिख के दिया था पत्ते में, वो पत्ता बकरी खा ली।
सुबह उठ के परेशान, बकरी दो गांव खाली, ये मेरी बकरी दो गांव खाली, ये मेरी बकरी दो गांव खाली, ये मेरी दो बकरी दो गांव खाली, ये चरट लगाया था दो गांव खाली। तो आगे क्या होने वाला है मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।